हेलो फ्रेंड्स, आज है 23 जुलाई 2020 और आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स में मैं अर्चना सिंह आप लोगों का वेलकम करती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं आज देश और दुनिया में क्या नया हुआ, क्या स्पोर्ट्स में और क्या इकोनॉमिक में नई खबरें हैं। इसके अलावा मेरे चैनल पे बीईओ की तैयारी 30 डेज का क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है, तो वो देखना मत भूलिए। यूपीएससी के लिए जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 चारों के लिए क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है, तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज हो सकती है जो लोग तैयारी कर रहे हैं मेंस के लिए, क्योंकि मेंस में हिंदी मीडियम की ऐसी सीरीज आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगी। तो इसके लिए चैनल पे ज़रूर विज़िट कीजिए, आपने काम की वीडियोस देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? तो ये की है हमारे उत्तर प्रदेश राज्य ने। उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसकी राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जो कि बीजेपी से बिलोंग करते हैं और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है गोविंद माथुर। लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं और विधानसभा में 404 सीटें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फुटबॉलर आंद्रे सुरले ने रिटायरमेंट की घोषणा की है, ये किस देश के हैं? ऑप्शन है ब्राज़ील, फ्रांस, जर्मनी, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है जर्मनी। उन्होंने 2014 में अपने देश के लिए फीफा विश्व कप जीतने में अहम भूमिका निभाई थी और जर्मनी के लिए 57 मैच खेले और कुल 22 गोल किए हैं। अब जर्मनी की बात कर लेते हैं तो ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है, राजधानी है बर्लिन, मुद्रा है यूरो और राष्ट्रपति है फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने छात्रों के लिए मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किया है? तो ये किया है हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। शिक्षा मंत्री के साथ साथ मानव संसाधन विकास मंत्री भी हैं ये, और इन्होंने मनोदर्पण नामक की पहल की शुरुआत की है। मनोदर्पण मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए शुरू की गई एक पहल है। ये पहल कोविड-19 के दौरान उसके बाद छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने वाली गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करेगी। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सी एस शेषाद्री का निधन हो गया, वे कौन थे? गायक, लेखक, गणितज्ञ या इनमें से कोई नहीं? तो ये प्रमुख गणितज्ञ थे। स्वतंत्रता के बाद के समय में सबसे प्रख्यात भारतीय गणितज्ञ प्रोफेसर सी शेषाद्री का निधन हो गया। ये चेन्नई गणित संस्थान के संस्थापक निदेशक एमेरिटस थे। इन्होंने 2009 में देश के तीसरे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में द एंडर गेम नामक उपन्यास किसने लिखा है? तो ये लिखा गया है हुसैन जैदी द्वारा। अपराध लेखक है, क्राइम राइटर हैं ये एम हुसैन जैदी। इन्होंने नया उपन्यास लिखा है द एंड गेम, जो राजनीति, विश्वासघात और अकल्पनीय आतंकवाद पर आधारित है। पुस्तक को हार्पे कलिंग्स इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का हाल ही में निधन हो गया, वो कितने वर्ष के थे? तो वो उनका निधन हुआ है 85 वर्ष की उम्र में। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का हाल ही में 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वे लखनऊ के सांसद भी थे। उनके निधन पर पीएम ने ट्वीट किया है, श्रद्धेय से लालजी टंडन जी को विनम्र श्रद्धांजलि, ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य ने वर्ष 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाले प्रथम प्रदेश बनने का लक्ष्य रखा है? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। तो करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश। भारत के हिमाचल राज्य ने वर्ष 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसे हासिल करने के लिए अभी तक प्रदेश की 3,226 पंचायतों में से 2,945 में प्राकृतिक खेती शुरू कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, 22 जुलाई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन है राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय डाक दिवस या राष्ट्रीय महिला सुरक्षा दिवस। तो करेक्ट आंसर है राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस। 22 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस मनाया जाता है। आज ही के दिन 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को भारत के संविधान द्वारा अपनाया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए आप लोग इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का,
निम्न में से कौन सा ऑलराउंडर खिलाड़ी दुनिया का नंबर एक टेस्ट ऑलराउंडर बन गया है? तो ये बन गए हैं हमारे बेन स्ट्रोक। ये जो बेन स्ट्रोक है वेस्टइंडीज के खिलाड़ी हैं और वेस्टइंडीज के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन की वजह से बेन स्ट्रोक दुनिया के नंबर वन टेस्ट ऑलराउंडर खिलाड़ी बन गए हैं। 29 वर्षीय बेन स्ट्रोक बल्लेबाजी रैंकिंग में कैरियर की सर्वश्रेष्ठ तीसरी पोजीशन पे पहुंच गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज ने हाल ही में बीसीसीआई क्रिकेट परिचालन प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया है? एमएस धोनी, सवा करीम, सी वेंकटेश या राहुल द्रविड़? तो करेक्ट आंसर है आज का सवा करीम। सबा करीम जो भारत के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज हैं हाल ही में बीसीसीआई क्रिकेट परिचालन प्रमुख से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने भारत के लिए एक टेस्ट और 34 एक दिवसीय मैच खेले हैं। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक बोर्ड ने अभी तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है, बट वो दे चुके हैं इस्तीफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश हाल ही में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि करने वाला दूसरा दक्षिण एशिया का देश बन गया है? तो ये ऑप्शन आपके पास, पहले देख लेते हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन या जापान। तो अगर आपको नॉलेज है तो बताइए, नहीं मैं आपको आंसर बताती हूँ। करेक्ट आंसर है पाकिस्तान। यूएस पॉपुलेशन रेफरेंस ब्यूरो ने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसके मुताबिक पाकिस्तान हाल ही में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि करने वाला दूसरा दक्षिण एशियाई देश बन गया है। पाकिस्तान में प्रति युगल 3.6 बच्चों की वार्षिक प्रजनन दर है। अभी पाकिस्तान की कुल जनसंख्या लगभग 22 करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी ने किस देश में होने वाले 2020 विश्व कप को कोरोना की वजह से स्थगित कर दिया है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन या बांग्लादेश? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद मतलब आईसीसी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले 2020 विश्व कप को कोरोना की वजह से स्थगित कर दिया है। इस 2020 वर्ल्ड कप को अगले साल तक के लिए रद्द कर दिया गया है। तो आज की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है यही ख़त्म होते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।